वाराणसी के मारवाड़ी अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही की वजह से मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद करीब 6 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। वाराणसी के मारवाड़ी अस्पताल में 12 जून को कुछ मरीजों की आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद 6 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों ने 24 घंटे के अंदर आंखों की रोशनी आने की बात कही थी, लेकिन 72 घंटे बीतने के बाद भी इन मरीजों की आंखों की रोशनी नहीं आई। तब रिश्तेदारों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की एक निजी अस्पताल में जांच कराई, जिसमें आंखों में इन्फेक्शन होने की बात सामने आई। ऑपरेशन के बाद क्या आपको दिखने लगा? नहीं। क्या हुआ है परेशानी? एकदम दिखा नहीं रहा, एकदम जिसे मैं एकदम करखा के जैसे पूरा जाल भरा है, रोशनी एकदम छिप जाती है। कितने दिन हुआ आपका ऑपरेशन का? आज 5 दिन हुआ। यहाँ के आप डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि घबराने की बात नहीं, रोशनी आएगा, 15 दिन से 1 महीना लग सकता है, वहाँ सूखेगा तो रोशनी आ जाएगा, लेकिन जब वहाँ जाने पे कंफर्म हो गया है कि अब कोई चांस नहीं है, रोशनी नहीं आएगा। ये डॉक्टर की लापरवाही है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की है? शिकायत की है, मगर लोग कह रहे हैं कि इन्फेक्शन बहुत बड़ा फैला है, इन्फेक्शन कटेगा, महीना भी लग सकता है, यही कह के दिलासा दे रहे हैं हमको। मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि डॉक्टर पिछले 5 दिनों से केवल दिलासा दे रहे हैं और दवाई बदल रहे हैं, साथ ही इन्फेक्शन दूर करने के लिए एक और ऑपरेशन करने की बात कह रहे हैं। बोलेंगे पीछे जो है मवाद जम गया है, इसमें कोई चांस नहीं है, दूसरे नंबर के हम करेंगे भी केमिकल डाल के, गारंटी एक नया पैसा का नहीं है और 35 से 50 हज़ार खर्चा होगा आदमी का। मामले की सूचना मिलने पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को मरीजों का बेहतर इलाज कराने के आदेश भी दिए हैं, लेकिन जिन मरीजों के आंखों की रोशनी चली गई है वो आएगी या नहीं ये तय नहीं है। एक तरह से डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन की ऐसी लापरवाही उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की असल तस्वीर दिखाती है। सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई मुआवजे की घोषणा नहीं की है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।